फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता किचन। आज मैं बनाऊंगी आलू का स्नैक्स। चलो, मैंने यहाँ पे चार आलू लिया। आलू को मैंने बॉईल करके लिया। अभी मैं आलू को छील लेंगे। ये स्नैक्स आप शाम को भी चाय के साथ खा सकते हो, सुबह चाय के साथ ले सकते हो, मेहमान आने में भी दे सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो। तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। मैं अभी आलू को कद्दूकस करूंगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बटर लिया, थोड़ा सा मैंने शिमला मिर्ची बारीक कटा हुआ लिया। हम थोड़ा सा कटे करेंगे अब तुलसी, गाजर और थोड़ा सा बीन। ये तीनों अच्छे से थोड़ा सा कटे कर लेंगे 2 से 3 मिनट। गाजर और शिमला मिर्ची को सॉटे कर लिया है, तो अभी मैं आलू में मिक्स कर दूंगी। देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा ब्रेड मैंने देखो पीस लिया मिक्सी में, तो हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। एक चम्मच काली मिर्ची पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। ज्यादा घिट घिट नहीं करना है, हल्का हल्का हाथ से मिक्स करना है। मैंने भी हल्का हल्का हाथ से मिक्स कर रही हूँ। देखो, तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया। कॉर्नफ्लोर को अभी मैं घोल बना लेंगे, थोड़ा पतली से घोल बनाना है। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, और जो आलू का मिश्रण है तो उसको हम ऐसे इस तरह से गोल 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 बना लेंगे। घोल में डुबाएंगे कॉर्नफ्लोर का जो मैंने घोल बना के रखा था। फिर अब डाल देंगे हम ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स मैंने घर में ही बनाया, 3-4 ब्रेड लिया और मैंने मिक्सी में घुमा दिया था। ये देखो, इस तरह से बनाना है सारे। कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया, तेल गर्म हो चुका है। अभी आलू का स्नैक्स मैंने एक करके फ्राई कर लेंगे। गैस को मीडियम में रखना, फिर जल जाएंगे। देखो, धीरे धीरे हल्का हाथ से फ्राई कर लेना है। आप एक स्नैक्स आप स्टोर भी कर सकते हो 1-1.5 महीने के लिए। जब घर में मेहमान आए तब आप फटाफट फ्राई करके दे सकते हो। मेरा ये आलू का स्नैक्स आप लोग को पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना, ज्यादा शेयर करना। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।